क्या लंबे समय तक मास्क लगाए रहने से शरीर में हो सकती है ऑक्सीजन की कमी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देश में कोरोना के आंकड़े भले ही एक दो दिनों से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी खराब ही है। कोविड के इस दौर में विशेषज्ञ सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से सेहत पर विशेष ध्यान देने पर जोर दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में लोगों को कोविड से जुड़ी जानकारियों के प्रति भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी खबरें भी फैली हुई हैं जो आपको भ्रमित कर सकती हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया पर मास्क के इस्तेमाल को लेकर भी एक दावा किया जा रहा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं इस दावे की सच्चाई। क्या है वायरल खबर? सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कहा जा रहा है कि लंबे समय तक मास्क के उपयोग से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इंसान को दिन भर में 550 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मास्क लगाने से यह घटकर 200 से 250 लीटर ही रह जाता है, इसलिए मास्क नहीं लगाना चाहिए। क्या है इसकी सच्चाई? भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने ट्वीट के माध्यम से इस वायरल खबर का खंडन करते हुए लोगों को जागरूक किया है। ट्वीट में बताया गया है कि इस तरह का दावा पूरी तरह से झूठ है, कृपया इन पर भरोसा न करें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सही तरीके से मास्क जरूर लगाएं। सोशल मीडिया पर फैल रही इस तरह की खबरें पर न ही भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। मास्क लगाने का सही तरीका क्या है? दिल्ली एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी के डॉक्टर जयस्तु सेनापति कहते हैं कि यदि वर्तमान स्थिति में लोग मास्क लगाने का सही तरीका सीख लें तो हम बहुत जल्द इस संक्रमण पर काबू पा सकेंगे। आपने भी लोगों को मास्क नाक के नीचे पहनते देखा होगा। अगर मास्क से आपकी नाक और मुंह अच्छी तरह से ढका हुआ नहीं है तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप कोई भी मास्क पहने, बस ध्यान इस बात का रखें कि इससे नाक और मुंह अच्छी तरह से कवर रहें। N95 मास्क को सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह वायरस को फिल्टर करने में ज्यादा प्रभावी है। इसके बाद सर्जिकल मास्क को अच्छा माना जाता है। यदि आपके पास इनमें से कोई उपलब्ध नहीं हो तो आप कपड़े से बने दो मास्क भी पहन सकते हैं। आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे।